आइए मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत होने वाला होता है। जैसे मीडियन निकालना है या कुछ भी मिडिल पॉइंट, जैसे लाइन है पी और क्यू, इसका मिडिल पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट, तो मान लीजिए इसका नाम एम है, तो एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका बहुत यूज होना होता है। अभी मीडियन निकालनी है, ट्रायंगल है, मीडियन निकालनी है तो इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर के आप मिडिल पॉइंट निकालेंगे। तो ये फार्मूला भी आपको बहुत ही ध्यान से देख लेना है एक बार, क्योंकि कभी भी दोबारा रिवाइज करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इस फार्मूले को देखें कैसे, जैसे यहाँ पर ये पी है तो पी के कोई कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वन वाई वन इसका कोऑर्डिनेट है, और क्यू का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स टू वाई टू है। तो देखिए मिड, अगर हम इस क्वाड्रेंट में जाएं तो मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, तो मिडिल में मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और उसका आधा, यही तो निकालना होता है। बस उसी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझें और इसका मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट का मतलब यह होता है कि एक्स वन और एक्स टू से जब रिलेट करेंगे उसको, तो x की वैल्यू आएगी, यहां पर भी तो कोई जो वैल्यू आएगी x और y आएगी, मान लीजिए तो x जो है वो इस x और इस x के रिलेशन में है, तो कैसे निकलता है, तो x1, तो x इज इक्वल टू बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये बन जाएगा x, और y कैसे बनेगा, y निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट क्या, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे इस मिडिल पॉइंट के, कोऑर्डिनेट निकालना कुछ नहीं, जो भी नंबर दिया हुआ है, x x को जोड़िए और आधा कर दीजिए, x हो गया, y y को जोड़िए और आधा कर दीजिए, वो y हो गया, तो कितना आसान है। तो ये कोऑर्डिनेट ऐसे भी लिखा हो सकता है, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एक कोऑर्डिनेट, और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू दूसरा कोऑर्डिनेट। और समझने के लिए कितना आसानी से आप इसको याद ही कर लीजिए कि जैसे कोई पॉइंट यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, तो मिडिल पॉइंट निकालना है, मान लीजिए यहां पर थ्री कामा फोर दिया हुआ है, यहां टेन कामा एटीन दिया हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसको इसको एड करके हाफ कर दीजिए, ये 13 हुआ, 13 का आधा 6.5, x की वैल्यू 6.5 आ जाएगी, फिर ये आप जोड़ करके आधा कर दीजिए, y की वैल्यू 4 है और 18 है, 22 हुआ, 22 का आधा कर दीजिए 11 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट m के होंगे, मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे। अब इसको ज्ञात करने के लिए आप मन में याद रखें, किसी फार्मूले को लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हैं कि x x को ऐड करके हाफ कर लें, y y को ऐड करके हाफ कर लें, तो ये मिडिल पॉइंट की कोई भी लाइन हो, चाहे दो बिंदु हो, उनके बीच में कौन सा बिंदु है, जैसे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं, तो सेंटर का निकालना हो तब भी आप, भाई डायमीटर क्या होता है, ये है सेंटर, तो सेंटर तो मिडिल पॉइंट ही होता है ना डायमीटर का, तो इसके कोऑर्डिनेट गिवन है इसके, तो ये मिड पॉइंट निकालने के लिए बस एक्स को एक्स में जोड़िए आधा कीजिए, वाई को वाई में जोड़िए आधा कीजिए, तो ये मालूम हो जाएगा। इस तरीके से इसका यूज कहीं भी करना है तो एक सेकंड में, दो सेकंड में आप इसको निकाल पाएंगे। ये आपको आसानी से कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार इसको आंखें बंद करके सोच लीजिए, बस पूरी लाइफ आपको याद रहेगा। और अगर मेरा वीडियो, मेरी बातें आपको ठीक लग रही हैं तो दूसरों को भी बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।